हरियाणा दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की धरती से फूकेंगे चुनावी बिगुल। तो कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में प्रधानमंत्री मोदी की विशाल रैली होनी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की धरती से चुनावी बिगुल फूकेंगे। तो प्रचार प्रसार जो है वो देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र आएंगे। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में प्रधानमंत्री मोदी की जो विशाल रैली है वो होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की धरती से चुनावी बिगुल फूकेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता गगन सांगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कुरुक्षेत्र आने वाले हैं और चुनावी बिगुल वो कुरुक्षेत्र से ही फूकेंगे, तो शुरुआत एक तरह से करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ उनका शेड्यूल रहने वाला है कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी? श्री प्रधानमंत्री 14 सितंबर को जो है कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और हरियाणा दौरे पर रहेंगे। 2024 के विधानसभा का जो है शंखनाद जो है प्रधानमंत्री जो कुरुक्षेत्र की पावन धरती से करेंगे। देखिए कुरुक्षेत्र एक धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। तकरीबन अक्सर देखा गया है कि विधानसभा या लोकसभा हो तो जो बड़ी बड़ी रैलियां जो है धर्म नगरी कुरुक्षेत्र से ही जो है देखने को मिलती है। और खुद कुरुक्षेत्र जिले से ही जो है जिस तरीके से देखिए लाडवा विधानसभा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत ही खास जो है रहने वाला है। और जिस तरीके से तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है और आज भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार पूरे प्रदेश के दौरे करते दिखाई दे रहे थे, आज भी कुरुक्षेत्र जो है कार्यकर्ताओं के साथ जो है जो 14 सितंबर को प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो उसको लेकर भी जो है कार्यकर्ताओं के साथ जो है चर्चा करते हुए दिखाई दिए थे मुख्यमंत्री। और प्रधानमंत्री का जो दौरा रहने वाला है कुरुक्षेत्र का बड़ा ही देखिए इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए जो है कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह जो है देखने को मिल रहा है और तैयारी जो है पूरी शुरू हो चुकी है। और तकरीबन 2 बजे देखिए शेड्यूल जो अभी समय जो आया तकरीबन 2 बजे कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में जो है प्रधानमंत्री जो है पहुंचेंगे। तमाम जो बड़े नेता है सेंटर से भी और पूरे प्रदेश से जो है जो बड़े नेता है वो भी यहाँ पर जो है पहुंचेंगे। जी, बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है गगन, और एक तरह से देखा जाए तो नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है। तो आगामी चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना अहम है, क्या कुछ इफेक्ट उससे पड़ेगा? देखिए जिस तरीके से देखिए दूसरी लिस्ट भी देखिए जारी हो चुकी है और अभी प्रधानमंत्री का जो दौरा है बहुत ही खास जो है रहने वाला है, क्योंकि 12 तारीख तक जो है नामांकन जो है भरे जाएंगे। उसके बाद जो है देखिए जनसभाएं जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से शंखनाद जो है धर्म नगरी कुरुक्षेत्र से हो रहा है तो इसको लेकर देखिए बहुत ही खास जो है माना जा रहा है। देखिए जिस तरीके से लगातार जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि हरियाणा जिस तरीके से सेंटर के अंदर तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसी तरीके से जो है हरियाणा के अंदर भी जो आपकी बार तीसरी बार भारतीय जनता की पार्टी की जो है सरकार जो है बनेगी। इसी को लेकर जो है प्रधानमंत्री का जो है दौरा बहुत ही खास जो है रहने वाला है। जी चलिए गगन, एक चीज और है कि अब आगामी विधानसभा चुनाव है, उस लिहाज से अगर हम देखें तो कितना उत्साह वहां पर लोगों के बीच दिख रहा है, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है मोदी के दौरे को लेकर? देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से चुनाव आ चुके हैं और जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के उनमें एक अलग ही उत्साह जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में कुछ समय पहले लोकसभा के चुनाव भी जो है हुए थे जिसमें काफी मतों से जो है कुरुक्षेत्र से भी पूरे देखिए 5 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपने नाम जो है खरीदी। और इसी तरीके से जो है दोबारा से जो है हरियाणा के अंदर सरकार जो है बन जाए भारतीय जनता पार्टी की, इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने जो है कमर कस ली है और लगातार जो है जो पूरे प्रदेश के अंदर जो है कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है किए जा रहे हैं। और आगामी कुछ दिनों में जो है बड़ी रैलियां जो है हरियाणा के अंदर भी जो है देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से अभी शेड्यूल जो है बनना शुरू हो चुका है 14 तारीख को जिस तरीके से प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं तो बहुत ही खास जो है रहने वाला है। और इसको लेकर जो है कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम जो तैयारियां जो है रैली को सफल बनाने के लिए जो है वो की जा रही है। थीम पार्क में बड़ी ही धूमधाम से जो है बड़े ही उत्साह से जो है कार्यकर्ता जो है इस रैली को जो है बड़े उनका यही कहना है कि बड़े उत्साह से जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री काफी समय के बाद कुछ धर्म नगरी कुरुक्षेत्र आ रहे थे, इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जी तो कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे तो एक तरह से कहीं ना कहीं आगाज ही होगा, उसके बाद हो सकता है कि और भी जो शीर्ष नेतृत्व के दिग्गज हैं वो हरियाणा आए चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन कुरुक्षेत्र ही क्यों?
देखिए कुरुक्षेत्रा एक धर्म नगरी के नाम से जो है जाना जाता है। जी गीता का उपदेश इसी भूमि पर दिया गया था। तकरीबन देखा गया कि मुख्यमंत्री भी जो कोई भी जिस तरीके से विजय संकल्प जो है रैली का आगाज जो होता है वो भी कुछ क्षेत्र से ही देखने को मिला था। जिस तरीके से शंखनाद जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो भी कुछ धर्मनगरी कुछ क्षेत्र से ही देखने को मिला था। और देखिये कुछ क्षेत्र बहुत ही खास जो है माना जाता है क्योंकि पूजा पाठ जो है धर्मनगरी कुछ क्षेत्र में अधिकतर जो है देखने को मिलती है जो आस्था के प्रतीक है। इसीलिए जो है धर्मनगरी कुछ क्षेत्र को ही जो है तकरीबन जो है चुना जाता है क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश इसी धरती पर दिया गया था। इसीलिए जो है तकरीबन हरियाणा में सबसे पहले जो है रैली जो कुरुक्षेत्र धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से होती है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका।